सही है। अच्छा, हमें क्या करना है बीइंग एन स्टूडेंट, मैं आपके साथ आज 8-10 फॉर्मूलाज शेयर करूंगा एक्सेल के और समझा भी दूंगा। फिर मैं आपके साथ ना एक फाइल शेयर करूंगा, उस फाइल में भी कुछ फॉर्मूलाज होंगे। तो आप ये कोशिश कीजिएगा, घर पे बैठे हुए होंगे तो कोशिश ये कीजिएगा 2-4 दिन में उन फॉर्मूलाज को समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में जब हम ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कौन कौन सी चीजें समझ में आ गई और कौन कौन सी चीजों में प्रॉब्लम है। मैं आपको दोबारा से सारी चीजें करवाऊंगा, लेकिन आई बिलीव कि एक्सेल के फॉर्मूलाज खुद से भी समझ में आ सकते हैं। सही है, तो हम कोशिश करते हैं। तो देखें, ये एक्सेल है, अब ये एक्सेल का इंटरफेस है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये एक्सेल का इंटरफेस है, ये आपको दिख रहा होगा। और ये मैंने एक डेटा कॉपी किया हुआ है इंटरनेट पे से। वो डेटा क्या है, वो डेटा इस तरह से है कि आप लोग मुझे चैट पे बता दीजिएगा जो भी कंफ्यूजन हो। ठीक है, वो डेटा ऐसे है कि डेट है, एक ऑर्डर है, उसकी डेट है, एक उस ऑर्डर का रीजन है कि कौन से रीजन का है, ईस्ट है, सेंट्रल है, वेस्ट है, रिप्रेजेंटेटिव कौन है, मतलब जिस बंदे ने उसको बेचा है या जिसने वो पिक किया ऑर्डर या जिसने उसे बुक किया है, आइटम्स कौन कौन से हैं, पेंसिल है, बाइंडर है, पेंसिल सेट है, पेन सेट है, डेक्स है। ठीक है, यूनिट्स पैसे लिखे हुए हैं, यूनिट कॉस्ट लिखी हुई है कि भाई एक की कितनी कॉस्ट है, और टोटल लिखा हुआ है। ठीक है, ये डेटा हमें चाहिए होगा, कोई सा भी डेटा जिस पर हम वर्क कर सकें। चैट में आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कि आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है और आपको मेरी बात समझ में आ रही है चैट पे। ठीक है, सही है। तो एक्सेल में अब होता क्या है, एक्सेल में ये देख लें, ये कोई भी जो एक ब्लॉक होता है ये कहलाता है एक सेल। क्या कहलाता है, सेल। ये देखें, ये एक सेल है, इसका साइज मैं यहाँ से बड़ा कर सकता हूँ, ये देख रहे हैं आप, मैं यहाँ रख के कर्सर इसको छोटा कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ इसका साइज, ये एक सेल कहलाता है। ठीक है, ये एक सेल कहलाता है। और ये एक सेल कहलाता है, और अगर मैं इन तमाम सेल्स की एक रेंज बनाना चाहूँ, अगर इन तमाम सेल्स की एक रेंज बनाना तो ये देखें, ये एक रेंज कहलाएगी, ये देखें एक पूरी रेंज कहलाएगी, ये पूरी एक रेंज कहलाएगी। अब इन सेल्स को जो एक्सेल में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए एक्सेल भी क्या है, रोज और कॉलम, जैसे हमने क्लास में बात की थी मैट्रिक्स होता ना, ऐसे एक्सेल क्या है, रोज एंड कॉलम। और रॉ के लिए इन्होंने नंबर लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने लिखे हुए अल्फाबेट्स ABCD। तो ये इस वक्त मैं किस रॉ में खड़ा हुआ, मतलब इस वक्त मैं किस सेल में खड़ा हूँ, A2। ये सेल क्या कहलाएगा, A2। देखें ऊपर लिखा हुआ रहा है A2, ये सेल कहलाएगा A2, नीचे वाला सेल कहलाएगा A3। तो ये पूरा कॉलम A का है और इसमें रॉ चेंज हो रही है तो नंबर चेंज हो रहा है, देखें A4 A5 A6, इसके अंदर जो वैल्यू लिखी होगी वो यहाँ लिखी हुई आ जाएगी। देखें अगर मैं इस सेल में खड़ा हूँ तो ये सेल कौन सा, आई, नंबर कौन सा इसका, 5, I5, इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ ब्लैंक आ रहा है, मैं चाहूं तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ। समझ रहे हैं, तो सेल समझ में आ गया। अब अगर आप एक सेल की रेंज पिक करना चाहते हैं, रेंज, आप लोग मुझे चैट पे जवाब देंगे समझ में आ रहा है, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं, वरना फायदा नहीं है कुछ, आप लोग मुझे यहाँ रिस्पॉन्स देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, एवरी वन पे जवाब देंगे चैट में जाके, ठीक है ना, रिस्पॉन्स देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, ताकि जहां तक क्लियर हो रहा है उससे आगे बढ़ जाए। अब ये तो हो गया सेल, अब इसमें ना बहुत सारी वैरायटी है एक्सेल में। तो अगेन अगर मैं एक रेंज को सिलेक्ट करना चाह रहा हूं तो बहुत सारी तरीके हैं। देखिए मैंने यहाँ कर्सर रखा, अगर मैं सिर्फ कीबोर्ड की मदद से सिलेक्ट करना चाहूँ, मैंने कर्सर रखा यहाँ पर, मैंने शिफ्ट दबाया और डाउन एरो दबा दिया, ये देखें मैंने यहाँ पर रखा कर्सर, ये कर्सर रखा सेल में चला गया, शिफ्ट का बटन दबाया और डाउन एरो, ये देखें ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ये देख रहे हैं। और आप जरा उस कॉलम में देखें क्या लिखा हुआ रहा है, ये देखें दोबारा देखिए, ये देखें जी, ये देख रहे हैं। अब आखिर में जब मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर लूंगा तो देखिए क्या लिखा हुआ रहा है, G2। इसका मतलब क्या है कि मैंने G2 से सिलेक्ट किया हुआ है। मैं एक रेंज को भी सिलेक्ट कर सकता हूं इसके अंदर। अब मैं ज्यादा टाइम जाया नहीं करता, जैसे जैसे चीज आती रहेंगी उसको एक्सप्लोर करते रहेंगे। इसमें कुछ फॉर्मूलाज हम समझते हैं। अब फर्ज कर लें, सबसे बेसिक चीज जो होती है वो मैथमेटिक्स ऑपरेटर होते हैं। तो चार ऑपरेटर है मैथमेटिक्स में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो इसमें काम कर सकते हैं। आप अगर दो लोगों को ऐड करना चाह रहे हैं तो फर्ज करें आप नंबर्स ये लिखे हुए ई और एफ में, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लिखा कैपिटल, ये देखें इक्वल टू,
और से देखिएगा, मैंने लिखा इक्वल टू कैपिटल ई, मैं चाहता हूं कैपिटल ई का सेकंड वाला जो है, ये देखिएगा दोबारा देखिएगा, मैंने इक्वल टू लिखा, मैंने यहां पर इसको सिलेक्ट कर दिया, ये देखें स्क्रीन पे देखिएगा, पीछे जाता हूं वापस, दोबारा देखिएगा, मैंने इक्वल टू लिखा, मैंने यहां पर लाके कर्सर रख दिया, देखें एंटर किया तो ये कह रहा है ई टू सिलेक्ट हो गया। अब ई टू के साथ क्या करना है, मैंने प्लस लिखा, ये देखें प्लस लिखा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं आपको प्लस का फॉर्मूला समझा रहा हूं, आपने इक्वल टू लिखा, अब दो लोग आपस में प्लस होते हैं तो मैं चाहता हूं ये वाला ब्लॉक, ये वाला सेल और ये वाला सेल आपस में ऐड हो जाए, क्यों चाहता हूं ये तो छोड़ ही दे, मैं सिर्फ आपको प्लस समझा रहा हूं। तो ये है ई टू और ये क्या एफ टू, ये क्या है ई टू, ये क्या एफ टू, देखें ई टू और ये क्या एफ टू, ये देखें मैं लिखूंगा ई टू प्लस एफ टू, देख रहे हैं आप, और अब मैं एंटर कर दूंगा, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, ये बन गया ई टू प्लस एफ टू, क्या फॉर्मूला बन गया ये ई टू प्लस एफ टू, देखे मैं एंटर कर रहा हूं, जैसे मैंने एंटर किया इन दोनों का रिजल्ट इस ब्लॉक में आ गया, समझ में आ रही है बात, और जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब है इस जगह पे जो वैल्यू लिखी हुई है, इस जगह पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो वैल्यू, इस जगह पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो वैल्यू हाथ से नहीं लिखी गई, वो फॉर्मूला, ये देखें, ये देखें अगर मैं ये दिखाऊं आपको, ये 33 लिखा हुआ है मैंने, जब मैं यहां रखूंगा अगर फिर तो यहां 33 लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये 33 हाथ से लिखा गया है, मतलब खुद से एंटर किया गया, लेकिन जब मैं यहां ला रहा हूं तो इसका मतलब यहां पर एक फॉर्मूला यूज हुआ है, समझ में आ गई ये बात। अब यही फॉर्मूला मैं इस लाइन में लगाता हूं, ये देखें इक्वल टू लिखा, अब मैं ई टू और प्लस एफ टू नहीं लिखूंगा, देखिए मैं वहां जाके क्लिक कर दूंगा, देखिए मैंने क्लिक किया तो यहाँ ई टू आ गया, अब मैंने प्लस दबाया, अब मैं ये एफ टू पे क्लिक कर दूंगा, देखें तो खुद ब खुद एफ टू पे कर ले, तो जो सेल आपने चूज करना है उस पर जाके आप क्लिक भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, समझ में आ गई ये बात। ये देखें यहां पर भी ये आंसर आएगा, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब दोबारा स्क्रीन पे देखिएगा सब लोग प्लीज, अब जैसे मैंने यहाँ कर्सर रखा, अब मैं चाहता हूं ये जो लाइन, इस लाइन में फॉर्मूला कॉपी हुआ हुआ है, मतलब इस लाइन में जो फॉर्मूला है वो नीचे वाले तमाम सेल्स में कॉपी हो जाए, इन तमाम में, जो देखें मैं इस जगह पे रख रहा हूँ कर्सर, ये देखें स्क्रीन पे देखिएगा प्लीज, इस जगह पे रख रहा हूँ, ये देखें यहां रख रहा हूं तो सिंबल देखें प्लस का बना हुआ आ रहा है, यहां रख रहा हूं तो क्या आ रहा है, मूव का आ रहा है, ये मूव का सिंबल कहलाता है, ये जो चार एरो बने हुए ना, जब मैं यहां रखूंगा इस जगह पे, देखें इस जगह पे छोटा प्लस, अब मैं इसको खेच के ड्रैग करता हूं, देखें मैं इसको स्ट्रेच करता हूं, ये देखें मैंने खींचा, देखें ना आप, ये देखें क्या हुआ, ये मैं आपको समझाता हूं दोबारा स्क्रीन पे देखिएगा, इस लाइन में फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस लाइन में फॉर्मूला लिखा हुआ है ई टू प्लस एफ टू, क्या लिखा हुआ है ई टू प्लस एफ टू, अब जब मैं इसको स्ट्रेच करूंगा, ये देखिएगा स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, ये मैं यहां तक स्ट्रेच कर रहा हूं, तो ये पूरा फॉर्मूला कॉपी हो गया, ये पूरा फॉर्मूला कॉपी हो गया, यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी, लेकिन सिर्फ रेफरेंस किसका है, ई और एफ का, ये देखें ई थ्री और एफ थ्री हो गया इसके लिए, देखिए 50 और 19 क्या होता है 69, 36 और 4 क्या होता है 40, 27 और 19 क्या होता है 46, 56 और 2 क्या होता है 58 एंड सो ऑन। तो देखें ये पूरा जब मैंने स्ट्रेच किया तो इसने कहा कि भाई ई टू एफ टू था, तो ये ई थ्री एफ थ्री हो गया, देखें ये ई फोर एफ फोर हो गया, ई फाइव एफ फाइव हो गया, ई सिक्स एफ सिक्स हो गया, ये समझ में आ गई बात। अगर आप स्ट्रेच कर देंगे तो पूरा फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा, रॉ चेंज हो जाएगी, कॉलम वही रहेगा, ये देखिएगा रॉ चेंज हो जाएगी, कॉलम वही रहेगा, समझ में आ गई ये बात। मैंने आपको अभी तक प्लस समझाया है, क्या समझाया, प्लस, समझ में आ गई ये बात, समझ में आ गई ये बात, सबके जवाब चाहिए, ठीक है। अब ये देखें मैं आपको यही काम माइनस के लिए कैसे करेंगे, पुट कैसे करेंगे, फॉर्मूला देखें इक्वल टू, ये देखें इक्वल टू रेहान इक्वल टू, अब आप इस कॉलम पे जा रहे हैं, ये देखें आपने यहां लिखा एंटर, अब आप माइनस लिख दें और ये लिख दें तो ई टू में से एफ टू माइनस हो जाएगा, सही है, ई टू में से क्या माइनस हो जाएगा एफ टू, ये देखें मैं एंटर करता हूं, ई टू में से एफ टू माइनस हो गया, ये हो गया 93.01। Are you getting me? अब अगर मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करूं तो ये माइनस वाला फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा, ये देखें पूरी रॉ में ये कॉपी हो जाएगा, ये देखें देखें 50 में से 19 जाते हैं तो क्या बचते हैं 30, 36 में से 4 जाते हैं तकरीबन 31 बचता है, क्लियर हो गई ये बात। तो यही मल्टीप्लाई के लिए, यही डिवाइड के लिए, सही है, यही मल्टीप्लाई के लिए, यही डिवाइड के लिए, ये देखें इक्वल टू ई टू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एफ टू, ये देखें
मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई को भी स्ट्रेच कर सकते हैं, डिवाइड को भी कर सकते हैं, सही है। हाँ पूरा कॉपी हो जाता है। अब ये देखिए हैशेज बने हुए आ गए, इसका मतलब है ये जो रिजल्ट है ना इस लाइन में, बिल्कुल रेहान आप सही कह रहे हैं, पूरा रिजल्ट कॉपी हो जाएगा जब आप अपने हाथ से करेंगे ना, तो रेहान और भी क्लियर होंगे इंशाल्लाह चीजें, ठीक है। फिर मैं मौजूद हूँ, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं अपलोड कर दूंगा, सही है। तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, बिल्कुल हो रही है। तो ये देखें ये जो हैशेज बना हुआ है ना, इसका मतलब ये जो रिजल्ट है, हाँ हो जाएगा रेहान, ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट बड़ा है और इस लाइन में नहीं आ रहा, तो देखो मैं इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, देखिए आ गया, क्लियर हो गया, देखो दोबारा देखिएगा, ये देखें मैंने जैसे इसको बड़ा किया तो ये आ गया, सही है, सही है, ये समझ में आ गई बात। अब एक इंपॉर्टेंट बात, आप एक रेंज को, रेंज का मतलब क्या है, ये तमाम ब्लॉक्स को ये देखें, एक दो तीन चार, ये जितने भी ब्लॉक्स मैंने लिखे हैं, आप इनको सम करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं, तो देखें बहुत सारे लोग आपस में सम हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आपस में सम हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आपस में सब्ट्रैक नहीं हो सकते। सब्ट्रैक हमेशा इंडिविजुअल होता है, सब्ट्रैक हमेशा क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। तो देखें पहले मैं आपको सम समझा रहा हूं, देखें मैंने इक्वल टू लिखा है, स्क्रीन पे देखिएगा सब, प्लीज स्क्रीन पे देखिएगा। अब मैं चाह रहा हूं ये कौन सा कॉलम है, एच, ये कौन सा कॉलम है, एच, एच टू से लेके एच 19 तक सब लोग आपस में सम हो जाए, समझ रहे, एच टू से लेके एच 19 तक सब लोग आपस में सम हो जाए, बात समझ गए आप मेरी, एच टू से लेके एच 19 तक सब लोग आपस में सम हो जाए, रेहान आपको ये आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है। अब ये देखें मैं चाहता हूं एच टू से लेके एच 19 तक सबको सम हो जाए, समझ रहे हैं ये बात, एच टू से लेके एच 19 तक सम, तो देखें सम के लिए सम लिख दिया मैंने, सम लिख का, सम का फॉर्मूला इसके अंदर मौजूद है, ये फॉर्मूले कुछ याद रखने पड़ते हैं, तो सम का बिल्ट इन फॉर्मूला है, ये देखें मैं ब्रैकेट लगाऊंगा स्क्रीन पे देखिएगा प्लीज। अच्छा फॉर्मूला आपकी हेल्प भी कर रहा होता है कि फॉर्मूला आप कैसे यूज कर सकते हैं, तो देखिए कह रहा है सम नंबर वन नंबर टू, देखें अब एक रेंज को मुझे डिसाइड करना है, ये देखें एच टू से लेके मैंने लिखा एच टू, अब मैं क्या चाहता हूं एच टू से लेके एच 19 तक सब लोग आपस में सम हो जाए, तो देखें ये देखिएगा मैंने लिखा इक्वल टू सम एच टू कॉलन एच 19, स्क्रीन पे देखेंगे सब, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, स्क्रीन पे देखें मैंने क्या लिखा सम एच टू कॉलन एच 19, ये कॉलन का मतलब ये जो दो डॉट बने हुए कॉलन कहलाता है, इसका मतलब ये एच टू से लेके एच 19 तक सब सम हो जाए, समझ रहे हैं, एच टू से लेके एच 19 तक सबके सब आपस में क्या हो जाए, सम हो जाए, समझ गए ये बात, इसका मतलब है आप एक रेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप एक रेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिएगा मैं एंटर करूंगा तो आंसर क्या आएगा, ये देखिएगा 7209.76, इन सबको जब मैं मैन्युअली भी सम करूंगा तो ये आंसर आएगा। तो हमने पांच फॉर्मूले देख लिए, आपने एक फॉर्मूला देखा प्लस का, एक माइनस का, एक मल्टीप्लाई का, एक डिवाइड का भी ऐसे ही चलता है, और एक हमने देख लिया सम का। इन पांच फॉर्मूलाज में किसी को कोई प्रॉब्लम है, सम का फॉर्मूला एक रेंज पे भी काम कर सकता है, आपस में भी कर सकता है। ये देखें मैं आपको दोबारा एक और चीज बता रहा हूँ, सम की वेरिएशन है बहुत सारी, ये देखें सम सम अगर मैं चाह रहा हूं तो ये देखें मैं ये भी कर सकता हूं, स्क्रीन पे देखिएगा ई, आपने इक्वल टू शुरू में लिखना, ये देखें इक्वल टू सम, ये देखिएगा अब मैं देखें खुद सिलेक्ट कर रहा हूं, ये देखिएगा एच टू हो गया, देखें ऊपर स्क्रीन पे देखिएगा एच टू लिखा आ गया प्लस एच थ्री, अब मैं सबको ऐसे भी लिख सकता हूं अगर मैं चाहूं तो, लेकिन ये फालतू है क्योंकि मैं जब रेंज का ऑप्शन है मेरे पास तो मैं रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूं, तो मैंने लिखा एच टू से लेके एच 19 तक सबको सम कर दें, ब्रैकेट लगा दिया एंटर, इक्वल टू लिखना पड़ेगा शुरू में, ये इक्वल टू, ये देख रहे हैं इक्वल टू, सही है, सम समझ में आ गया। अब दो फॉर्मूलाज और हैं, एक है मैक्सिमम एक है मिनिमम, सही है, एक फॉर्मूला कहलाता है मैक्सिमम का, एक कहलाता है मिनिमम का। मैं आपको थोड़े सिंपल से फॉर्मूला समझा रहा हूं ताकि जो मुश्किल है फिर वो हमें बाद में देखना है। तो मैक्सिमम का फॉर्मूला भी ऐसे ही चलेगा, ये देखें
इक्वल टू मैक्स। अब आप चाहते हैं कि इस पूरे कॉलम में यहां से लेके यहां तक, देखिए स्क्रीन पे देखिएगा, यहां तक 575 तक, एच टू से लेके एच 19 तक जो भी मैक्सिमम है वो मुझे दिख जाए, एच टू से लेके एच 19 तक जो भी मैक्सिमम है वो मुझे दिख जाए, एच टू से लेके एच 19 तक जो भी मैक्सिमम है वो मुझे दिख जाए। हमें दिख रहा है कौन है मैक्सिमम, ये 1619। तो देखिए मैं क्या करूंगा, ये देखें स्क्रीन पे मैं लिखूंगा इक्वल टू मैक्स, क्या लिखूंगा, एच टू कॉलन एच 19 ब्रैकेट। जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये इस पूरी रेंज में से मुझे मैक्सिमम निकाल के देगा, ये देखें क्या निकाल के दिया इसने 1619। आर यू गेटिंग मी, समझ रहे हैं आप ये मैक्सिमम का फंक्शन क्या करता है, मैक्सिमम निकाल के देता है उस कॉलम में से और उस रेंज में से, सही है। तो आपको मैक्सिमम निकाल के दे देगा। अभी तक हम सारा काम किस पे कर रहे हैं, न्यूमेरिक नंबर पे, किस पे कर रहे हैं न्यूमेरिक नंबर पे। तो ये पॉइंट भी इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। मैक्सिमम सेम गोज फॉर द मिनिमम, ये देखें मिनिमम, मिनिमम क्या करता है भाई, मिनिमम भी यही काम करता है, मिनिमम मिनिमम उठा के लाके देता होगा। तो एच 19 ये देखिएगा स्क्रीन पे मिनिमम, सही है, मिनिमम लाके दे दिया इस लाइन में, पूरे में मिनिमम कौन है 57.71। ये दोनों समझ में आ गए, तो मिनिमम समझ में आ गया और मैक्सिमम समझ में आ गया, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम में अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, वरना फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक एक करके सारे फॉर्मूले देख रहे हैं हम। जी बताइए कोई कंफ्यूजन है, रेहान ये ना रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा रेहान, ठीक है रेहान आप मेरी बात समझ रहे हैं, फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो ना रिकॉर्डिंग देखने के बाद तो आप मुझे बताइएगा कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, समझ रहे हैं रेहान। रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा, यूट्यूब पे चैनल है मेरा, मैं वहां अपलोड कर रहा हूँ दूसरी क्लासेस के लेक्चर भी, तो आपका भी कर दूंगा, ठीक है। मिनिमम देखिए मिनिमम क्या करता है, मिनिमम जो है मिनिमम वैल्यू उठा के लाके देता है भाई, एक रेंज के अंदर जो मिनिमम वैल्यू उठा के लाके देता है। तो देखो पूरे में मिनिमम कौन है, मैं बता दूंगा सब बता दूंगा, पूरे में मिनिमम कौन है 57.71, ये देखें 57.71 क्या लिखा हुआ है, मिनिमम एस टू कॉलन एस 19, सही है। आगे बढ़ते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम समझ में आ गया। मैं आपको अभी इजी फॉर्मूलाज करवा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थोड़ा सा ट्रिकी करवाएंगे, क्योंकि वो भी आपको आने चाहिए। एवरेज का फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है एवरेज का, एवरेज ये देखिएगा, अगर किसी फॉर्मूले की आपको स्पेलिंग ना आती हो तो आप उसके शुरू के कीवर्ड लिख दें, आपके पास सजेशन आ जाता है। देखें इतने सारे फॉर्मूला आ गए ऐसे, देख रहे हैं आप, तो देखें ये एवरेज, ठीक है रामीन मैं कर दूंगा, ये देखें एवरेज, एवरेज पे क्लिक कर दूंगा तो एवरेज का फॉर्मूला बन गया, ये देखें एवरेज। एवरेज पता है ना क्या करता है, एवरेज पूरे कॉलम का जिसको भी आप रेंज सिलेक्ट करेंगे उसका क्या निकाल के देगा आपको, क्या निकाल के देगा आपको एवरेज, उस पूरे कॉलम का मीन निकाल के दे देगा, जिसे आप एवरेज कहते हैं मीन कहते हैं। तो देखिए मैं एवरेज समझा रहा हूँ आपको, ये देखिएगा मैंने लिखा इक्वल टू ए वी ई, ये देखें एवरेज लिखा हुआ आ गया, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब मैं चाहता हूँ अगेन एच टू से लेके एच 19, मैंने लिखा एच टू कॉलन एच 19, इसका मुझे एवरेज बता दो, सही है। ये देखें एंटर कर रहा हूँ, एवरेज का मतलब इन सबको सम करेगा और किससे डिवाइड कर देगा, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18 से डिवाइड कर देगा, इस पूरे को सम करेगा और 18 से डिवाइड कर देगा, तो इसका एवरेज जो आएगा वो ये आएगा, क्या आएगा 400.54। एवरेज समझ में आ गया, एवरेज समझ में आ गया। इसी तरीके से परसेंट भी है, ठीक है परसेंट भी है, परसेंट कैसे काम करता है करके देख लेते हैं। ये देखें इक्वल टू किसी भी चीज का कुछ परसेंटेज निकालनी है आपने, फर्स्ट करें मैं 20 का परसेंट निकालना चाह रहा हूँ, ये देखिएगा देखते हैं एग्जैक्टली कि कैसे काम करता है। ये देखें
कोई भी वैल्यू को आप परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं अगर किसी भी वैल्यू की, तो आपने लिखा इक्वल टू, ये देखें 95 का आप कितना परसेंट निकालना चाह रहे हैं, देखें जो वैल्यू भी आप सिलेक्ट करेंगे वो 100 से उसकी परसेंटेज निकल जाएगी, सिंपल सा है ये। कोई भी वैल्यू आप सिलेक्ट करेंगे उसकी 100 से परसेंटेज निकल जाएगी, देखें आपने इसको सिलेक्ट किया और आपने लिख दिया परसेंट, तो इसमें क्या है 19.99, इसका 100 से परसेंटेज निकल जाएगी, ये देखें। और परसेंटेज ये राउंड ऑफ करके दिखा रहा है, मैं आपको इसका एग्जाम इसका यूज भी सिखा दूंगा अभी परसेंटेज का, फिलहाल अभी यूज नहीं करवा रहा मैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, हैं तो सारी इंपॉर्टेंट ही, मैं आपको पहले थोड़े आसान वाले पे लेके जा रहा हूं। एक और फॉर्मूला है एवरेज की तरह का, एक फॉर्मूला है एवरेज इफ, मैं अपने हाथ से ना इस वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, ये देखिएगा, ये 1619 वैल्यू को जीरो कर रहा हूँ, देख रहे हैं आप, मैंने इसको जीरो कर दिया, ले ही नहीं रहा। एवरेज इफ के एवरेज इफ समझाता हूं, पहले मैं भी थोड़ा काउंट दिखा देता हूं, ठीक है। तो काउंट का भी एक फंक्शन है, काउंट का फंक्शन क्या करता है ये देखिएगा, ये मैं दो ब्लॉक्स खाली कर रहा हूं यहां से, ये दो तीन ब्लॉक्स खाली कर दिए मैंने, ठीक है, ये मैंने दो ब्लॉक्स पूरे हटा दिए यहां से, ये देखें। अब काउंट का फंक्शन समझाने के लिए ब्लॉक्स हटाने पड़ेंगे। अब काउंट का फंक्शन क्या करता है, बेसिकली काउंट का फंक्शन क्या करता है, मैं आपको एक काउंट का फंक्शन चला के दिखाता हूं, फिर आप मुझे बताइएगा उसने क्या किया। काउंट कंडीशनल एवरेज नहीं होता सैयद उजैर बेटा, एवरेज इफ जो है वो ये करता है कि एवरेज निकालते हुए जीरो वाली वैल्यूज को इग्नोर कर देता है। मतलब फर्ज करें अगर मैं अपनी जीपीए की बात कर रहा हूँ और मैंने 5 कोर्सेज पास किए हैं, एक फेल कर दिया, तो एवरेज एवरेज इफ क्या करेगा, जीरो वाले को शामिल नहीं करेगा, एवरेज क्या करेगा, जीरो वाले को शामिल कर देगा, समझ रहे हैं आप, एवरेज क्या करेगा, सारी वैल्यूज को शामिल करेगा, एवरेज इफ क्या करेगा, जीरो वैल्यू को निकाल देगा, सही है, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, अभी मैं आपको बता रहा हूँ काउंट, मैं आपको सिर्फ एक चला के दिखा रहा हूँ काउंट, आप मुझे बताइएगा काउंट ने किया क्या, कुछ चीजें आप भी बताइए मुझे ताकि पार्टिसिपेशन लगे कि भाई हो रही है। ये देखिएगा, ये देखें मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है स्क्रीन पे, देखिएगा जरा, काउंट एच टू कॉलन एच 19, समझ रहे हैं, काउंट एच टू कॉलन एच 19, मैंने एच टू से लेके एच 19 तक काउंट किए, ये कितने लोग हैं, ये कितने लोग हैं, अगर इस कॉलम को रो को गिनो तो 18 रोज हैं। जी उधर एक मिनट दे दें, ये 18 रोज हैं, मैंने लिखा काउंट एच टू कॉलन एच 19, ये आंसर दे रहा है मुझे 15, कौन बताएगा ये 15 क्यों दे रहा है, उजैर का जवाब आप सबको दिख रहा है, नंबर ऑफ रोज, हाँ जो ब्लैंक है ना उनको इग्नोर कर देता है ये। अच्छा ये न्यूमेरिक नंबर जरूरी नहीं है, ये देखिएगा एप्पल, एप्पल लिख दिया मैंने, ठीक है, अभी भी 15 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये देखें, समझ रहे हैं आप, इसका मतलब क्या है, कंटेंट काउंट करता है या सिर्फ नंबर काउंट करता है, सिर्फ न्यूमेरिक नंबर काउंट करता है बेटा, ये क्या करता है, सिर्फ न्यूमेरिक नंबर क्या काउंट करता है, सिर्फ न्यूमेरिक नंबर, तो इसका मतलब है कि भाई इसका कोई और काम भी होना चाहिए, अल्फाबेट को तो काउंट नहीं कर रहा ना ये, आपके सामने मैंने करके दिखाया, ये देखें मैं लिख रहा हूं एप्पल लिख दिया मैंने, इसको चेंज होना चाहिए, नहीं हो रहा ये। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम खुद भी सीख सकते हैं, देख मैंने एप्पल लिखा नहीं चल रहा ना ये, लेकिन मैंने देखे ये 1 2 लिखा तो चल गया, ये 16 हो गया, सही है, जीरो लिखा जब भी 16 हो गया, इसका मतलब है ये जीरो को काउंट कर रहा है, लेकिन अगर मैं डैश हटा दूं तो ये 15 कर रहा है। जी मैं आपको बता रहा हूं वो कैसे चलते हैं, सब बताऊंगा मैं आपको। अब एक और है, वो है काउंट ए। अब काउंट ए क्या करता है वो देखेंगे, ठीक है, ये देखिएगा प्लीज, इक्वल टू काउंट
ए। अच्छा इसकी ना हेल्प में जाके हम पढ़ भी सकते हैं कि वो क्या करता है, ठीक है, अगर हमें प्रॉब्लम हो। काउंट ए, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, H2:H19। अब आप मुझे बताइएगा, अभी इसने भी 15 दिया है, ठीक है, इसने भी 15 दिया है, इसने भी 15 दिया है, इसका मतलब है फिलहाल हमें कोई डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब है काउंट भी उनको काउंट करता है जो लिखे हुए होते हैं, काउंट ए भी। अब देखिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये देखिएगा स्क्रीन पे, एप्पल। अब समझ में आया सबके, समझ में आया, किस किस की समझ में आया है? उजैर की समझ में आ गया और नुमान की समझ में आ गया, अलीना की समझ में आ गया। इसका मतलब है काउंट ए जो है वो बस लिखा हुआ कुछ भी हो काउंट कर लेगा। इसका मतलब है काउंट ए में आपका नुमेरिक भी आ जाएगा, अल्फाबेट्स भी आ जाएंगे, स्ट्रिंग भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, देखेंगे ये अजीब सी चीज भी आ जाएगी, देख रहे आप, तो कुछ भी आ जाएगा। काउंट ए क्या करता है, काउंट ए कंटेंट काउंट करता है, काउंट सिर्फ नुमेरिक नंबर काउंट करता है। पॉइंट क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा जी, कॉन्केटेनेट होता है एक, वो क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब मैं थोड़े इंग्लिश अल्फाबेट्स पे आता हूँ, जैसे ये दो लिखे हुए हैं, जॉन्स और कैलविल, ये देखिएगा। हाँ काउंट जस्ट न्यूमेरिक काउंट कर रहा है, ये देखें कॉन्केटेनेट का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक लिख देता है। क्या मतलब, दो टेक्स को आपस में कॉन्केटेनेट कर देना। हाँ जैसे मेरा नाम है उस्मान खान, तो उस्मान एक में लिखा हुआ है, एक में खान लिखा हुआ है, मैं दोनों को एक साथ लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे लिखता है ये, कि देखें कॉन्केटेनेट क्या करेगा, इस सेल को यहां पर लिखा, बीच में क्या चाहते हैं इन दोनों के, आप इन दोनों के बीच में क्या चाहते हैं, स्पेस। ये देखिएगा आप दोनों के बीच में क्या चाहते हैं, स्पेस। ये देखिए मैं इन दोनों के बीच में क्या चाहता हूँ, स्पेस। मैंने स्पेस दिया, मैंने C5 चूज किया और उसके बाद मैंने स्पेस दिया, मैंने स्पेस दबाया, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने क्या लिखा, स्पेस। अब मैं कॉलन दबा के दोबारा से क्या लिखूंगा, ये C4। अब देखें जो एंटर करूंगा क्या लिखा आएगा, ये देखें गिल और जेडन, जेडाइन, गिल और जेडाइन दोनों के बीच में क्या है, स्पेस है, देख रहे हैं आप। ये देखिएगा अगर मैं दोनों के बीच में स्पेस नहीं लगाना चाह रहा, मैं डैश लगाना चाह रहा हूँ, डैश भी आ सकता है, देखें ये देख रहे हैं आप। लेकिन हम तो नाम एक के बाद लिख सकते हैं तो स्पेस देते हैं ना, तो ये क्या कहलाता है, कॉन्कैटेनेट। क्या कहलाता है, कॉन्कैटेनेट, मतलब दो स्ट्रिंग को होते हैं ना, यूजर से हम इनपुट ले रहे होते हैं कभी डेटा में, गूगल फॉर्म पे हम यूजर से इनपुट लेते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों को आपस में कॉन्कैटेनेट करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। समझ में आ गई है बात, और ये जरूरी नहीं है स्ट्रिंग ही आपस में कॉन्कैटेनेट हो, नंबर्स भी हो सकते हैं। ये देखिएगा, ये देखिएगा मैंने लिखा स्पेस दिया, डैश लगाया, कॉमा, ये मैंने लिख दिया, ये देखें ये भी हो गया, सही है, सही है। तो कोई भी चीज आपस में कॉन्केटेनेट हो सकती है, ये नहीं है कि सिर्फ स्ट्रिंग ही होंगे, स्ट्रिंग मतलब अल्फाबेट्स होंगे। समझ में आए यहां तक सारे, अब इफ जो है वो भी है, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और थोड़ी मजे की चीज समझाऊंगा कि जो गूगल की टेक्निक्स होती हैं, सर्च की जो टेक्निक्स होती हैं जिसके जरिए आपका सर्च आपको जल्दी मिल सकता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको अपनी स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ और मैं आपको एक आखिरी चीज समझा रहा हूँ। आप मुझे बताइए, आपको चैप्टर 6 शो हो रहा है? चैप्टर 6 शो हो रहा है बेटा? अब यहाँ ना थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि मैं 5 मिनट आपको समझाऊंगा और उसके बाद आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे जवाब देंगे, ठीक है, या VLE के चैट पे कि आपको क्या समझ में आया। एक कहलाता है रिलेटिव सेल रेफरेंस और एक कहलाता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। आप ये समझिए कि मैं आपको 40% समझा रहा हूँ, 60% आपने खुद समझना, सही है। ब्लैंक आ रहा है, चैप्टर 6 नहीं शो हो रहा आपको, स्प्रेडशीट कॉन्सेप्ट के नाम से स्लाइड शो नहीं हो रही,